हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता। क्या हंसते हो तुम लोग? क्या मुझे सर्कस का लंगूर समझ लिया है? क्या है मेरी बच्ची, जब तू बम्बई की स्वर्ग जैसी बस्ती में पहुंचेगी तो पानी की लहरों के गीतों की बजाय रेडियो, ग्रामोफोन और सिनेमा के मीठे गानों की ताने तेरे बचपन को अपनी गोद में ले लेंगी। तू बम्बई की हर एक चीज को देखेगी और घंटों देखती रह जाएगी। तेरा चचा मुद्दत से तिजारत के लिए बम्बई गया हुआ है, मगर वहां से वापिस आने को उसका दिल ही नहीं चाहता। क्या
पिताजी? सूचना, जहाज के मुसाफिरों को खबरदार किया जाता है कि तूफान या किसी और खतरे के वक्त सिर्फ जरूरी चीजों को बचाने की कोशिश करें। क्या सोच रहे हैं पिताजी? कुछ नहीं बेटा, जानती हो लीला ये क्या है? कागज ही तो है, और क्या? कागज, कागज कभी कभी कीमती भी होते हैं बेटा। कागज की एक नोट भिखारी को अमीर बना देती है। ये कागज भी अपने सीने में एक बहुत बड़ी दौलत छुपाए हुए है। मगर ये है क्या? ये वसीयत नामा है जो मैंने तुम्हारे पिता सर मंगलदास ने लिखा है। इस कागज की गोद में तुम्हारी जिंदगी का सुख चैन मीठी नींद सो रहा है। सुनो, मर जाने के बाद मेरी तमाम दौलत तुम्हारी हथेली पर नाचेगी और मेरी सारी जायदाद के साथ मेरी इज्जत, मेरी किस्मत और मेरे भाग्य की भी मालिक बन जाओगी। पिताजी ऐसी बातें ना कीजिए, मुझे डर मालूम होता है। कोई बात नहीं बेटा, तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं। मगर आपने तो एक दिन माता जी से कहा था कि तकदीर के तूफान को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उजाला है।
काटने का समय नहीं बेटा, यहां से जल्द निकल जाए। बेटा मैं जो तुम्हारे साथ हूं। कैप्टन साहब, अब तो बचने का कोई सहारा नहीं रहा। धोखा दे रहा हूँ बेटा, तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। अब तुम बच गए, तुम, तुम्हारी गुड़िया और वकील साहब। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, तू मत मेरी बच्ची, मैं डरो हमेशा याद रखना, तुम बहादुर बाप की बेटी हो, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जिंदगी एक दरिया की लहर है, फिल्मों में फंसती है और तूफान में बह जाती है।
बाबू। घबराओ नहीं बेटी, डरो नहीं, तुम एक बहादुर बाप की बेटी हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तुम बनो की जिंदगी में निराली दोस्ती शुरू होती है। कुदरत और तहजीब आपस में हाथ मिलाते हैं, मासूमियत मासूम को अपनी तरफ खींचती है और बेसहारे लीला जंगल के खौफनाक जानवरों में अपनी बेनजीर जिंदगी शुरू करते हैं। वक्त की रफ्तार ने सुबह शाम की कई मंजिलें तय कर ली और जैसे जैसे जमाना गुजरता गया वो प्यार के साथ उनके दिलों पर हुकूमत करती रही। जिंदगी बसर कर रही है, हम अपनी निगाहों को सैकड़ों मील दूर ले जाएं, बॉम्बे, जहां उसकी तलाश के चर्चे हो रहे हैं जो कई आदमियों की जिंदगी में निराले जज्बात पैदा कर देंगे। बीस साल 240 महीने गुजर गए, मैं और मेरा भाई सरमंगल दास इस गोल जमीन की छाती पर मारे मारे फिरते रहे, मगर हम लीला को ढूंढने में कामयाब न हो सके, और कामयाब हो भी कैसे सकते थे। 5 साल का मासूम बच्चा तूफान में कागज की नाव की तरह बह गया होगा, मुझे यकीन है कि वो मर चुकी है और अब मेरा भाई उसे स्वर्ग में जा मिला होगा। इस वक्त मेरे सिवा मरहूम सर मंगलदास का कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं, उसकी तमाम जायदाद अब मुझे मिल जानी चाहिए, कानून को भी मेरी तरफदारी करनी चाहिए और आपको भी मेरे हक में फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। आपका कहना बजा है, मेरा भी यही ख्याल है, मगर हमें एक जरूरी चीज को न भूलना चाहिए। वो क्या? आपके भाई ने मरते हुए ये वसीयत की थी कि 10 साल तक लीला का इंतजार किया जाए और 10 साल तक तमाम रुपया पैसा और जायदाद अदालत के कब्जे में रहे। नो थैंक्स। मगर क्या फायदा, 10 साल तो क्या 10,000 साल तक भी लीला का पता नहीं मिल सकता। ठीक है, मगर वसीयत पर अमल करना कानून का फर्ज है और इस फर्ज को पूरा करने के लिए अदालत एक भारी खर्च से लीला को तलाश करना चाहती है। खोज लगाने वाली पार्टियां दुनिया के हर हिस्से में भेजी जाएंगी और एक बड़ी रकम का इनाम उस आदमी को दिया जाएगा जो लीला को ढूंढ लाए। अदालत फजूल पैसा बर्बाद करना चाहती है तो करे, मगर मैं ही नहीं, दुनिया जानती है
कि मौत तूफान के रूप में बाहें फैला कर आई और लीला को अपनी गोद में सुला कर ले गई। अब उसे ढूंढने की कोशिश करना मौत को ढूंढने की कोशिश करना है। मैं मजबूर हूं मिस्टर मोहनलाल, हमें मरहूम सर मंगलदास की वसीयत पर अमल करना ही पड़ेगा। वसीयत वसीयत, एक वसीयत ने लीला की जान ली, दूसरी मेरी जान लेकर रहेगी। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी वसीयत लीला को दोबारा जिंदा कर दे। हिम्मत और कोशिश किस्मत के लिखे को मिल सकती है। तो फिर आपकी पार्टी किस्मत का लिखा मिटाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहती है? इस पर अदालत भी विचार कर रही है। चंद रोज हुए मेरे एक अजीज दोस्त ने अफ्रीका से लिखा था कि उन्होंने अपने एक दोस्त मिस्टर हमीद के साथ मिलकर एक तलाश करने वाली पार्टी बनाई है जो लीला को ढूंढेगी। मैं उस पार्टी का इंतजाम करने के लिए कल स्टीमर से अफ्रीका जा रहा हूं। तो फिर मैं भी साथ चलूंगा। फिर आपको भी शहर के ऐशो आराम छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? जी हाँ, आओ यहाँ आराम से बैठकर लीला के बारे में बातचीत करें और कुछ खाएं पिएं। लाख रुपए की कही शायरान शायर मटन चाप पिया और कबाब खाने से कहा है कि ब्याह होता है दुल्हन आने के बाद और बिजनेस होता है कुछ अबे छोड़ छोड़, जानता नहीं कि मैं कबाब खान का शागिर्द हूँ? अबे छोड़ छोड़, नहीं तो बताता हूँ। क्या लेंगे आप? जी मेरी तो फेवरेट सिर्फ बियर है। और मेरा दोस्त है 3X की। कोई इसको पीवे हम उसका दूर होवे, दिल शाद शाद होवे, दुनिया में नाम पावे। जो कोई इसको पीवे हम उसका दूर होवे, दिल शाद शाद होवे, दुनिया में नाम पावे। ये विस्की मैं बुलाई पी लो मेरे जानी, फिर दिल में गर्मी आई सुबह से शाम आई। ये विस्की मैं बुलाई तू पी लो मेरे जानी, फिर दिल में गर्मी आई सुबह से शाम आई। Ha 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 ha!
मिस्टर सुरेंद्र, वक्त फजूल जा रहा है, चलो कहीं लीला के बारे में बातचीत करें। मगर आप एक लापता लड़की को कैसे ढूंढ निकालेंगे? ढूंढने से तो कारू का खजाना भी मिल जाता है, फिर लापता लड़की का ढूंढ निकालना हम सफरियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये है मेरे दोस्त हमीद, जिन्होंने अफ्रीका के घने जंगलों में अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, और आप हैं अपने मेहमान जो आज ही बंबई से आए हैं। ग्रादर, उस जंगल प्रिंसेस के बारे में आप जो कुछ जानते हो वो मिस्टर मोहनलाल को सुना दो। जंगल प्रिंसेस, जिसके नाम ही में जादू भरा है, जिसके बारे में सुनते ही यहाँ के वहशी लोग कांप उठते हैं। सुनिए, यहाँ से 700 मील दूर अरब सागर के पास एक अजीब और गरीब हरमबानो नामी टापू है, जिसकी आजाद हवाओं में एक भेदी औरत जंगल की आजादियों से खेलती है, जो शेर और बबरों पर भी अपना जादू चलाकर राज करती है, जिसको वहशी लोग देवी समझकर पूजते हैं। हरमबानों की सरजमीन पर पैर रखते हुए ही इंसान का दिल कांपता है। अगर आपको उस भेदी औरत की तलाश में जाना हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि मैं और मिस्टर सुरेंद्र जैसे सफरी तो ऐसे मौके के लिए हमेशा तरसा करते हैं। तो आप इस सफर पर कब रवाना होते हैं? कल सवेरे। कल सवेरे? अभी तो आप शिकार पर से वापस आए हैं, तो रोज आराम करें। लाख रुपये की कहीं? हम मुसाफिरों के लिए आराम की जरूरत नहीं, ऐसे मौके पर ना किस्मत से मिलते हैं वकील साहब। हमें सफर की तैयारी करो, कल सवेरे ही सूरज निकलने से पहले काफला रवाना हो जाएगा। बहुत हो। और हाँ, गोली बारूद काफी तादाद में ले लेना। ठीक है मिस्टर सुरेंद्र, एक ख्याल से तो एक लापता लड़की को ढूंढना सरासर जहालत है, पागलपन है। लगा
देखने होगा गुमरा नाम दे मुसाफिर खाना नाम दे मुसाफिर खाना इस मार्ग से जाना वो देखिए हुजूर गर्म पानी के चश्मे। तो क्या हुआ इन लोगों का दम क्यों निकला जा रहा है? आपकी नजरों में शायद कुछ भी नहीं हुआ हो मगर इन लोगों की तो दुनिया ही उजड़ गई है हुजूर। इन लोगों के लिए गर्म पानी का चश्मा बदकिस्मती का शगुन और मौत का पैगाम है। इन लोगों का पूरा एहसास है कि ये चश्मे उन खतरनाक भूतों के अड्डे हैं जो हमेशा गुमराह मुसाफिरों की तलाश में रहते हैं। इसीलिए उन भूतों के कहर से बचने के लिए ये लोग जादुई मंत्र पढ़ा करते हैं। मैं जानता हूँ सब वहम और पागलपन है। देखो मैं खुद आगे बढ़ता हूँ इनसे कह दो कि सब मेरे पीछे पीछे आए। कौन मिस्टर मोहम्मद? ये पानी है या जान निकालने की घानी है? अरे आप क्या करूं? अरे क्या करता है? करता क्या है? ये तो कुदरत का खेल है। करता क्या है? चल चल अरे ले चल ले घबरा मत घबरा मत मैं तेरे साथ हूँ। हाँ संभाल के चलना संभाल के चलना गिरना मत गिरना मत। पुलिस सीटर से कह कह कर हार गया था
कि यह खतरनाक सफर बेकार है, पागलपन है। मैं जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि लीला मर चुकी है। मिस्टर मोहनलाल, मेरे समझ में नहीं आता आप शुरू से इस सफर के क्यों खिलाफ हैं और हमेशा इसकी कामयाबी पर क्यों शक करते हैं। दुनिया में दो किस्म के आदमी हैं, एक वो जो तकलीफ का ख्याल करते ही हिम्मत हार जाते हैं और दूसरे वो जो कामयाबी के आगे तकलीफों को कुछ नहीं समझते। शायद मिस्टर मोहनलाल पहली किस्म के महाशय हैं। बस करो, मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस बड़बड़ से। बड़े आए बहादुर। मगर मिस्टर मतलब यह है कि अगर लीला का पता नहीं मिलता है तो मतलब यह है। मतलब साफ हो गया। अच्छा जाने दो। मूर्ख मन तू क्यों भरवाया, मूर्ख मन तू क्यों भरवाया, धन दौलत की है सब माया, धन दौलत की है सब माया। पैसों का सिंगार बढ़ा कर जग में मान बढ़ाए, पैसों की गंगा उसने जीवन के दुख पाए, उसने जीवन के दुख पाए, जिसने पैसा पाया, जिसने पैसा पाया। मूर्ख मन तू क्यों भरवाया, मूर्ख मन तू, मूर्ख मन तू क्यों भरमाया, धन दौलत की सब माया, धन दौलत की है सब माया। लाख रुपए की कही, दुनिया का सारा कारोबार पैसे पर ही चलता है। सुनो, मूर्ख मन तू क्यों भरमाया, खीते पाकी कहती है सब माया। मगर नहीं, धन दौलत के मृतकता है, पैसा पैसा क्यों करे, पैसा हाथ का मैल, बहादुर कहे समझ पैसे को बाएं हाथ का खेल। इसलिए ऐ सज्जनों, अपनी दौलत पर कभी नाज न करो, आज है कल नहीं। सुनो, रेस कोर्स में डबलिन लगे पर शेयर बाजार में खोना होगा, बालकनी में जन्म लिया हो पर पीठ क्लास में सोना होगा, अकड़ फकड़ कर ड्रेस सूट बनाया पर एक दिन गिरवी रखना होगा, धोबी जी ने हड़ताल की तो बेटा अपने हाथ से धोना होगा, बड़े खां बनकर मोटर चलाई तो एक्सीडेंट से मरना होगा। कहा तब हाजुर सुन भाई साधु, पैसे के पुजारी को चिल्लू भर पानी में डूब कर मरना होगा। बस बहादुर, बहादुर बहादुर बहादुर
मोटर में पेट्रोल तो है ही नहीं, जबरदस्ती चलने से तो रास्ता भी खराब हो जाता है। शेर मर्द के नाम से मशहूर है, निशाना बात हो, मैं जाता हूँ, निगाह रखना। लाख रुपए कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा तेज और चैंपियन भागने वाला मैं हूँ, मैं जाऊंगा। हमी कहाँ जाते हो? वापस आओ हमी, वापस आओ। जिसम को नहीं कुछ आया ना करो, देखिए वो क्या करना चाहते हैं। चलो
दो बाकी रह गए। ये कैसी आवाज? शेरों को बुला रहे हैं। आखिरी दो गोलियों को जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। बहुत अच्छा। छोटे ताजे को ढूंढ, यहाँ क्या मिलेगा? अरे जा। बाबू समझो। अरे क्या समझू, ये तो कहता है कि जिंदा ही खा लू। क्या किया जाए? लेट जाओ ताकि शेर हम लोगों को मुर्दा समझे। हाँ हाँ हाँ। Thank you.
कौन हो तुम? माला, शेरों की मलिका। मेरा बाप यहाँ का राजा है। जो मेरे शेरों को मारता है उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। साजू भाई, कि मैंने तुमको क्यों बचा लिया? तुमने मेरे शेर भोला को जान से मारा, इसकी सजा भुगतनी होगी। जाओ। जाओ शंकर। अकुसे प्रिया। हमारे सब सफरी कहाँ गायब हो गए? उन सबको उन शहर मर्दों ने गिरफ्तार कर लिया है। जब तक तुम्हारा फैसला न होगा, तुम्हारे साथी मेरे पिता की कैद में रहेंगे। इंटेस्ट्रांथ्रोपोस राजा पिस वांगा। क्यों मारते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सिखाया कि एक जंटलमैन के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए? वो क्या कह गई? उसने हमें गिरफ्तार करके अपने बाप हरमदानों के राजा के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। वहाँ शेर के खून का बदला हमारे खून से लिया जाएगा। रमबानों का राजा।
और कलियां हजार, गम रहते और कलियां हजार, करे किस किस को प्यार लगा मीना बाजार, करे किस किस को प्यार लगा मीना बाजार। कभी तो दिल में उठा तूफान, कभी तो दिल में उठा तूफान, और मचल पड़े अरमान, और मचल पड़े अरमान, सीधे साधे दिल पे आके पीछे लगे निशान, सीधे साधे दिल पे आके तिरछे लगे निशान। हमको है हैरान हैरान हाँ कसम जमाने की, हमको है हैरान हैरान हाँ कसम जमाने की। सरकार की जय हो। जान दे दी है तभी आदमी भाग सरमी ने हरम बानू में कैसे दाखिल होने पाए? इसका मुझे पता नहीं है सरकार, मगर हमारी बहादुर शेरों के मलिका ने उन सबको गिरफ्तार करा के हुजूर आला की खिदमत में पेश करने का हुक्म दिया है। वो कहाँ है वो सब चंडाल? रास्ते में होंगे सरकार, अभी अभी महल में लाए जाएंगे। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर में चमेली कसी। इस जंगल में और ये मंगल, कोई मुझे बताए कि ऐसी दिलखुश जगह में ऐसी मनहूस शक्लों का क्या काम भला? बस और तो कुछ आता ही नहीं, जरा जरा नहीं। मैं तो समझा था कि हमें कोई भयानक फांसी घर की तरफ ले जा रहे हैं, मगर ये तो बड़ा शानदार महल है, रंग रंगियों से भरपूर लगता है। कैसा खूबसूरत मंजर है, खूबसूरती जिंदगी की राहत का पहला जिन्ना है, जिसको मिली बस वो हर दिल अजीज हो गया। मगर बाज वक्त खूबसूरती ही इंसान की पामाली का हथियार बन जाती है, खूबसूरत का हर अंदाज बना देता है दीवाना, जब फंसता है खुद इश्क में बन जाता है परवाना। लाख रुपए की कही आफ्ताब मुल्क साहिबा ने अलमास, उर्फ जिंदा लाश ने अपनी खूबसूरत, लेकिन बेवफा माशूक के बारे में सब कहा है। क्या दिल दे दिया है उनको नजराना समझ कर, जालिम ने उड़ा दिया उनको बारूद खाना समझ कर। तुम और
और किस लिए हरम बानों के राज में कदम रखने की जरूरत की? झक मारी के यहाँ आए। लो भाई, पुराना प्रोग्राम फिर शुरू हो गया। सरकार, किस्मत ले आई हमें, भाग फूटे थे हमारे जो इन सब लोगों के साथ अपनी लापता भतीजी की तलाश में निकले, क्योंकि वो एक बड़ी जायदाद और भारी रकम की हकदार है। और तुमने ये कैसे जाना कि वही लड़की तुम्हें यहाँ मिलेगी? सभी दुनिया उम्मीद कायम है। लाख रुपए की कहीं? लो भाई, ऊंट के नाटक में ये नई कैरेक्टर आ गई। लापता लड़की की तलाश के साथ मुझे कोई निस्बत नहीं है। तुमने मेरी बेटी के बालू शेरे बबरू भोला की जान ले ली है और हमारे राज में शेरों को मार डालने की सजा मौत है। सरकार, ये कैसे हो सकता है? कहीं इंसान भी जानवरों को मारने के जुर्म में मौत के घाट उतारे जा सकते हैं? ये कहाँ का कानून है? ये यहाँ का कानून है, यहाँ हम खुद कानून है। और हमारा कानून है लाठी का जवाब लाठी से, खून का जवाब खून से। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमले के सामने इंसान को अपनी जान बचाना ही चाहिए, और दुनिया का भी यही कानून है। अपनी जान बचाने के लिए हमें भोला को मजबूरन मानना पड़ा था। बस किस्सा खत्म कर दो। मैं हरम बानो के राजा की हैसियत से तुम सबको मौत की सजा देता हूँ। हर जाइए पिताजी। माला, बेटा तुम क्यों यहाँ आई? इसलिए कि इन अजनबी मुजरिमों का फैसला मेरे हाथ है। माला, तुम इस राज के कानून को तोड़ रही हो। अजनबियों का फैसला सरजमीने हरम बानों के राजा के हाथ में है, लेकिन हरम बानों के लोगों की मर्जी के मुताबिक शेरे बबर से टकराने वालों का इंसाफ मेरे हाथ में है, इसलिए मैं जो कुछ कहूंगी उस पर ही अमल करना होगा। अच्छा अच्छा बेटा, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इस संगदिल ने मेरे पोला की जान ली है। अगर मैं चाहूं जोश में बेबस होकर इसको कुत्ते की मौत मार डालू, मगर नहीं, माला के सीने में अभी तक दया मौजूद है, इसलिए मैं इसे अपनी जान बचाने का एक मौका देती हूँ। इस संगदिल को एक भूखे शेर के साथ लड़ाया जाए, फिर इसकी बहादुरी का इम्तहान खुद ब खुद हो जाएगा। ना तो मैं संगदिल हूँ ना बुजदिल, मैं शेर से लड़ने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? कि जो शिक्षा देनी हो मुझे दी जाए, मेरे साथियों को नहीं। लेकिन माला, मीना, तुम खूब जानती हो कि माला के खिलाफ जाने का अंजाम खाली नहीं। तुम बहादुर मालूम होते हो, एक दुश्मन भी बहादुर दुश्मन की कदर करता है। अब ये देखना है कि तकदीर तुम्हारा साथ देती है या नहीं। पिताजी, अगर इसने शहर पर प्रताप पाई तो इससे और उसके तमाम साथियों को आजाद कर दिया जाए, और इसने शिकस्त पाई तो इसके साथ इन तमाम अजनबियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए। लाख रुपए की कही मेरी माई, एक शेर को बहादुरी दिखाई तो ये मुसीबत आई। चलो भाई, आप भूखे शेर से बच गए तो किस्मत, नहीं तो चारों की सफाई। अगर तुमने शेर के खून से मेरे खंजर की प्यास बुझाई तो तुम्हारी पता होगी, क्योंकि शेर मेरे शेर बबरों के दुश्मन हैं। हाँ।
वादे के मुताबिक तुम सबको आजाद किया जाए। हाँ, क्यों नहीं? माला, मैं फिर एक बार तुमको कहती हूँ कि अपना पागलपन छोड़ दो। कॉल का पालन करना पागलपन कहते हो? तो क्या, हरम बानों की सल्तनत का राज दुनिया पर जाहिर कर देना अकलमंदी का काम समझती हो तुम? लाख रुपए की कही, ये तो आगा हशर साहब के नाटक का बाप पहला और बेटा दूसरा हो गया। पिताजी, इनकी बंदूकें और गोली बारूद वापस कर देने का हुक्म सुनाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चानक इन अजनबियों का तमाम सामान वापस करके इन्हें आजाद कर दो। शुक्रिया अदा करने की इजाजत। काश मैं बता सकता तुम्हारी शराफत ने हम सबके दिल पर क्या असर डाला है। मैं सरजमीन हरम बानों को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी याद मेरे दिल को हर वक्त बेचैन रखेगी। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैंने किया वो मेरा फर्ज था। इरादों में पहाड़ की चट्टानों से ज्यादा मजबूत और वो शगुफ्ता फूल है जिसे जवान मर्द अपने सीने से लगाता है। अब जाओ तुम सब यहां से। जान बची लाखों पाए। चलो चलो निकल चले यहां से। लाख रुपए की कमी। इस 20वीं सदी के मजनू ने तो आपने किस जादू की बिना पर उस संघे जंगल की परी के दिल पर फतेह पाली और उसके दिल की पुड़िया को मोहब्बत के बादाम और पिस्तों से छलाछड़ भर दिया। छोड़ इस मजाक को, मेरा तो दिल कह रहा है कि माला वही लड़की है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन मिस्टर मोहनलाल के दिल से तो पूछिए। पूछने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो सारी हकीकत आईने की तरह साफ साफ दिखाई देती है। क्या खूब माला ने अपने मुंह से इकरार नहीं किया कि वो तो हरम बानों के राजा की लड़की है? कई बार मैंने कहा कि तुम माला को नाराज न करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि माला के खिलाफ होकर
हम हरम बानू की जंगली लोगों पर कभी हुकूमत नहीं कर सकते। कुदरत का करिश्मा भी अजीब है। जो आदमी हजारों को गुलाम बनाकर अपने पांव की खाक समझ रहा है, वही आदमी एक मामूली औरत की जबान से निकले हुए अल्फाज को टालने की जुरत नहीं रख सकता। बंद कर अपना फलसफा। अगर हरम बानू के लोग मेरे इशारे पर चलते हैं तो वो सब माला कबाब हैं। जंगली लोग माला को देवी समझते हैं, माला के पैरों के नीचे रोंदी हुई धूल को चूमते हैं, और वो मुझे इसलिए राजा मानते हैं कि माला मुझे पिता कहकर बुलाती है, क्योंकि माला मुझे अपना पिता समझती है। मैं तुम्हारी राम कहानी सुनते सुनते थक गई हूँ। मेरी जवानी इस तहखाने में जलकर राख हो रही है। अब तुम्हें अपने ताजो तख्त के सिवा कुछ सोचती ही नहीं। मगर मीना, तुम खूब जानती हो कि मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने मुल्क की नहीं बल्कि साथ साथ अपने दिल की भी मलिका बनाया है। तो फिर क्यों खामखा मुझे परेशान कर रही हो मीना? मैं तो तुम्हें अपनी भलाई और सलामती के लिए समझा रही थी। हाँ, फिर भी एक बार माला पर अपना राज जाहिर हो गया कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। बाज वक्त दीवार को भी कान होते हैं। देखो माला, जेयो जेयो, हम जाते हैं जाते हैं। जिंग 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 जिंग। खुदा के रहमो फजल से सारी बला सर से टल गई। हाँ, इससे पहले कि हमारे सर पर कोई और आफत का बादल मंडलाए, हमें इस खतरनाक जगह से फौरन निकल जाना चाहिए। भारत बिल्कुल बेकार है। धोखा, जालसाज औरत ने हमें धोखा दिया है। जीतेगा? हाँ, मैंने भी सुना था।
ज्यादा मार तो नहीं लगी? वो तहनी तोड़ कर दो। बहुत अच्छा, अभी लाता हूँ। डरो नहीं, लाओ। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। ये शेर तो मैं दिलेर, भला ऐसे ऐसे शेरों को तो मैंने हजारों को मार डाला। तुमने हमें वापस किए थे वो सच्चे थे या बेकार? बेकार? तो क्या तुम मुझको शक की नजर से देख रहे हो? नहीं नहीं माला, ऐसा ना कहो। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, मगर किसी दुश्मन ने हमें धोखा दिया है तो हम जान की भी परवाह ना करते हुए उस दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। सब आज की रात यहाँ ठहर सको तो शायद कल सवेरे मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकूंगी। जी नहीं, सिर्फ इतना जानने के लिए हम रात भर जंगल में नहीं रह सकते। रात होने वाली है। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं जिस गुफे में रहती हूँ आप वहाँ आराम करें। लाख रुपए की कहीं, चलिए। अगर इन जंगल के शेरों ने दंगल मचाया तो इस गंजी खोपड़ी का मनी ऑर्डर खुदागंज पहुंच जाएगा। ओ ये शेर, इनसे क्यों डरते हो? ये तो सीधे साधे अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं, दम अंदर और कलेजा बाहर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी को मौत के खूंखार पंज नहीं देखना चाहता। ये जहालत है, पागलपन है। मिस्टर मोहनलाल, आप घबराएं नहीं। हैवानों को भी कुदरत ने इंसानों की तरह भले और बुरे की समझ दी है। आपस में बहस ना कीजिए। देखिए, अभी आपको यकीन हो जाएगा कि ये मेरे साथ किस तरह मिले जुले हैं। डरते हो तो मैं इन्हें कह देती हूँ कि एक करीब वाली गुफा में चले जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ बेफिक्र आराम करोगे। आखिर तुम हमारे मेहमान जो हुए ना। अब लाख रुपए की कहीं। हाँ,
जाओ जाओ शंकर जाओ उठो उठो शंकर उधर सखी इधर आओ सुना या नहीं जाओ जाओ माला, इस जंगल की वीरानी और चांद की चांदनी से तुम्हारे दिल की उमंगों को मालूम नहीं होता कि जंगल की जिंदगी तुम्हारे लिए किस कदर सुनी है। क्या तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है? कभी कभी मुझे अपनी जिंदगी यहाँ दिखाई देती है, लेकिन मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ अपने वफादार शेरों के साथ, और मैं हरमबानों की शहजादी भी तो हूँ। मुझे किस बात की कमी है यहाँ? ये मैं जानता हूँ माला, लेकिन जिंदगी एक सुंदर कविता है और प्रेम उसका तार। माला, इस जगी चांदनी में, इस मनोहर रात में, इस हरियाली और हवा के ठंडे ठंडे झोंकों में, जबकि तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे करीब, क्या तुम्हारी नरगसी आंखों में वो इशारे नहीं रहे जो किसी चाहने वाले दिल को बेकरार कर? क्या तुम्हारा दिल तुमसे कुछ नहीं कहता? क्या दुनिया की और बातों से तुम्हें कोई वास्ता नहीं? बोलो मतलब क्या कहूं, मुझे वास्ता हो भी सकता है और शायद नहीं भी। नहीं नहीं माला, ऐसा ना कहो। तुम अपनी इन आंखों के मुक्ति को कैसे छुपा सकती हो? दोस्त हैं, जाओ सो जाओ, अब देर हो रही है, जाओ जाओ। बेगुनाह इंसान गहरी नींद सो रहा है और गुनाहगार अपने पाप का पहरेदार है। हाय दिल, हाय जिगर, एक इधर एक उधर, देखो तो मोहब्बत के लौ चुंबक ने दोनों को अपनी तरफ घसीट कर फौलादी पंजे में जकड़ लिया है। मजाक की भी हद होती है, शराफत से बाहर कदम न रखो। लो, शराफत का सैंपल बोल रहा है। क्या कहा? जी कुछ नहीं। हाँ,
ये तो बताइए आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र, इसका मतलब? यही कि देवताओं का राजा। ओ हो, हाँ तो देवताओं के राजा साहब, आपको यहाँ आना कैसे हुआ? मैं क्या जानू, मुझे तो शक है कि किसी जंगल की रानी ने जादू चलाकर हरम बानो की सर जमीन पर खींच लिया है। बनाना छोड़ो, सच बता दो, किस लिए तुम सब यहाँ आए हो? तो सुनो, आज से करीब 20 साल पहले की बात है कि हरम बानो के टापू के पास एक जहाज। गोली बारूद के बारे में तुमने महल में जाकर फैसला करने के लिए कहा था, हम यहाँ बेकार रुके हुए हैं, क्या हमें अब यहाँ से जाना होगा या नहीं? क्यों नहीं, चलो। जब वो लोग तुम्हारी पनाह में थे, तुमने ऐसी फजूल हरकत की, वो कमीनापन किया कि उन बेचारों की हिफाजत के लिए सरो सामान भी ना रखा। बोलो बाबा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो नफाक नाराज हो रही हो माला, ये भूल से गलती हो गई है। भूल से नहीं बल्कि जानबूझकर। आपको मेरे साथ दरबार में चलना होगा और अपने हाथों से उस सरो सामान को वापस करना होगा। इसका मुझे भी अफसोस है। खैर, ये रही आपकी अमानत, आप इसे ले सके। शुक्रिया आपका माला। यहां से निकल जाने से पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? कहिए, क्या है? करीबन 20 साल की बात है, हरम बानो टापू के पास से एक जहाज गुजर रहा था जिस पर सर मंगलदास मिस्टर मोहनलाल के भाई अपनी 5 साल मासूम लड़की लीला कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों से माला का क्या ताल्लुक? हाँ, क्यों नाहक वक्त गा रहे हो? किस्सा ये था कि सर मंगलदास अपनी लड़की को बा रहे थे क्योंकि वहाँ एक वसीयत के मुताबिक लीला को एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी। लेकिन होनी को कौन अनहोनी कर सकता है। तूफान आया, जहाज अपनी गोद में सर मंगलदास को लेकर गर्क हो गया और उस बूढ़े बाप की एक लौती आशा को एक लकड़ी के टुकड़े पर बंधी हुई खौफनाक दरिया की चंचल लहरों के थपेड़ों में छोड़ गया। उस दिन से आज तक मिस्टर मोहनलाल उस बदकिस्मत लड़की की तलाश में है और होना भी चाहिए क्योंकि वो वसीयतनामा अब भी उसे एक भारी रकम का हकदार बना सकता है। फिर भी माला को या हमें इस बात से क्या नस्बत? ये मेरी समझ में नहीं आता। वो अभी सबके समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि वो खोई हुई लड़की लीला तुम्हारे से और कोई नहीं हो सकती माला। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये कैसे हो सकता है? माला, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ। ये सब कुछ तुम्हें मेरी गोद से छीनने की चालबाजी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी जाने न दूंगा। माला, तू मेरी औलाद है। हाँ हाँ पिताजी, घबराने की तो कोई बात नहीं। क्या मुझे मालूम नहीं कि मैं आपकी ही बेटी हूँ? आप जाएं, मेहरबानी होगी, मेरे पिता का दिल ना दुखाएं। Thank you.
ये भी मौका है वार करने का, कर ले नहीं तो पछताएगी। कुदरत के बलहारी कैसी है नारी न्यारी, जाऊं मैं तुम पर वारी वारी, कर दो बाबा भोजन की तैयारी। बस अब यही डेरा डालकर पेड़ पूजा शुरू कर दें। और कोई बात भी है, उठते बैठते सोते रोते सवाए खाने पीने के और भी कुछ करोगे? क्यों नहीं भला, मियां कलंदर ने कहा है कि लौ प्लेट जल्दी से भर पेट और आराम से लेट। क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है शेख? जो तू कहता है वही, यही आराम करे। शाबाश, लाख रुपए की कही। अच्छा तुम यही ठहरो, मैं खाने के लिए शिकार मार लाता हूँ। मगर जरा संभल कर जाना भाई। गीत शायद किसी की लाश पर मंडला रहे हैं। चलो उसी तरफ चलें। अरे भाई सुरेंद्र, अरे उठ यार, क्या सुरेंद्र, अरे उठ यार, क्या लंबा हो गया। अरे देखो ये काले देव के बेटे कहां से आ गए। खबरदार, अगर तुम लोगों ने जरा भी हरकत की तो इस जहरीले तीर तुम्हारे सीने से पार हो जाएंगे। उठो, चुपचाप मेरे साथ चलो। तेरी यूं ही गई जवानी।
आइए बानो साहबा, हम बड़े खुशनसीब हैं जो हमें आज आपके दीदार हुए। अल्टीमेटम देने से पहले आप जुम्मन की छावनी न कैसे टपकड़ी। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझ कर आई हूँ, और तुम सब कुछ छुड़ा भी सकती हूँ। लाख रुपए की कहीं नेकी और पूछ पूछ, चलो चले। हाँ हाँ, हरम बानों की जेल की चार दीवारी से भागना इतना आसान नहीं। सबसे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त मंजूर करना होगी। शर्त कैसी? मैं खुद इस सुनसान जंगल में रहते रहते हैरान हो गई हूँ, मगर हरम बानों का राजा बड़ा संग दिल है। जिसने इस राज में कदम रखा, बस फिर उसे यहाँ से लौट कर बाहर की दुनिया देखना नसीब ही नहीं हुआ। अगर तुम सब मुझे वो खोई हुई लड़की लीला मानने का वादा करो, तो मैं अभी तुम्हें इस काल कोठरी से निकल जाने का खुफिया रास्ता बता दूंगी। बुम्बई पहुंचने के बाद लीला की तमाम दौलत मेरी हो जाएगी, जिसे हम सब सोच समझकर आपस में बांट लेंगे। वाकई प्लान तो बहुत अच्छा है। मगर हाँ, यहाँ से जाने से पहले हमें आपकी उस हमदर्द माला का खात्मा कर देना जरूरी है। क्यों? इसमें भी एक बड़ा राज है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका खात्मा करना जरूरी है। बंद कर अपनी जहरीली जबान। परमात्मा का उपकार मान के तू एक औरत है, साथ ही तुझे तेरे नीचे राजों का पता मिल जाता। बच्चलन औरत का एक एक सांस ठंडी हवा को जहरीला बना देता है, उस परछाई को भी देखना बड़ा गुनाह होता है। दूर हो यहां से। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। मैं तो समझी थी कि मैं अक्लमंद आदमियों के साथ बातें कर रही हूँ, तुम तो निकले निरे बेवकूफ। और याद रहे, हरम बानों के राज में जो कोई मीना के सामने सर उठाने की जुरत करता है, कुत्तों की मौत मारा जाता है। मुझे तो एक ही बात का अफसोस हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी का ऐशो आराम तुम्हारे हाथ में है। तुम खामखा मौत को दावत दे रहे हो। हाँ हाँ, मीना का कहना बिल्कुल ठीक है। मेरे साथी माने या न माने, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तो पहले ही से जान गई थी कि तुम अपने दोस्तों से ज्यादा समझदार हो। खामखा खतरे में डालना उस दिन का काम है। भूलो मत, केवल कल न रहा और आज आज भी न रहेगा। दुनिया है रंग रंगीली। और खूब कहा हमीद खान, दुनिया है रंग रंगीली। आज तुम्हारा फलसफा मेरा निकम्मा। चालाक आदमी अच्छी तरह जानता है कि जिंदगी सिर्फ चार दिन की है, फिर इतनी छोटी सी फानी जिंदगी का मकसद मालो दौलत से ताकत हासिल करना, ऐशो आराम में दिन गुजारना और इश्क मोहब्बत का लुत्फ उठाना। इस दुनिया में या उस दुनिया में फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं, जन्नत में या जहन्नम में,
तुम्हारे महल में या मेरे महल्ले में, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं, सारा हिसाब चुकता कर देंगे वहीं। का पीछा करने के लिए भेज दो, कल सवेरे अजनबियों को फांसी पर चढ़ाया जाए। जिस तरह हो सके अब वसीयतनामा जो माला के पास बैग में है हमारे कब्जे में आना ही चाहिए, जिससे दुनिया को जाहिर हो जाए कि तुम ही सर मंगलदास की वारिस हो। ठीक है, मगर हरम बानो की सरजमीन छोड़ने से पहले हमें माला का खात्मा करना ज्यादा जरूरी है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी गुफे में से बैग लेकर आता हूं।
मत करो शंकर, गोली मेरे बाजू से सिर्फ छू कर निकल गई है, आर पार नहीं हुई। मैं कल तक अच्छी हो जाऊंगी। रात ज्यादा हो रही है, मुझे नींद आती है। रात अंधेरी हो रही है, कदम कदम पर ठोकरों का सामना है, हमें यही पनाह लेनी होगी। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तो तुम्हारी राय का साथी हूँ। क्या खबर लाए हो चालू? एक दुश्मन भी बहादुर दुश्मन की कदर करता है। अब ये देखना है कि तकदीर तुम्हारा साथ दे है या नहीं। माला, इस जंगल की वीरानी और चांद की चांदनी से तुम्हारे दिल की उमंगों को मालूम नहीं होगा कि जंगल की जिंदगी तुम्हारे लिए किस कदर की है। क्या तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है? मिस्टर मोहनलाल, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान को खाना खा खतरे में डालना जिस दिन का है, भूलो मत। ये कल कल न रहा और आज आज भी न रहेगा। अजनबी मुजरमों, अब तुम इस दुनिया में थोड़ी ही देर के मेहमान हो, क्या कहना चाहते हो तुम? सही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मरते दम तक अपना फलसफा न छोड़ोगे? जिंदगी में हासिल किया हुआ तजुर्बा और सबक की कसौटी मंजिल मौत के वक्त ही होती है, और बाद वक्त इंसान की बहादुरी खुद अजल के फरिश्ते को मुंह फेर कर वापस जाने के लिए मजबूर करती है। बंद कर दो अपनी बकवास को चालुक। Thank you.
मैंने वही किया पिताजी जो राह इंसाफ पर करना जरूरी था। इन सब निर्दोषों की जय कर तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? असली मुजरिम तो तुम्हारे आयशो आराम के पिंजरे में पली हुई मैना है, जिसे मिस्टर मोहनलाल ने सयाद बनकर अपने दाने फरेब में जकड़ लिया है और अभी अभी सरजमीन हरमबानों से भाग रहा है। अच्छा तो माला क्या किया जाए? फौरन उन बदमाशों का पीछा किया जाए। जानुक इन सब को छोड़ दो। अपने तीरंदाजों का एक दस्ता साथ लेकर मीना और मोहनलाल की तलाश में जाओ। अगर हम एक बार दरिया के किनारे पहुंच जाएंगे तो कामयाबी हमारे पांव चूमेगी। वो यकीनन दरिया के रास्ते से जाएंगे। आंधी आ रही है। अक्सर बुजुर्गों से सुना है कि जब हरमबानों का मुल्क गुनाहों के अजाब में फंस जाता है तो इस दरिया का चढ़ाव तूफानी सूरत इख्तियार करके दरख्तों और खेतों को बहा ले जाता है। अब हमें वापस चलना चाहिए। वो देखो, देखे क्या खाक, दुम दबा कर भागो।
खत्म हो चुका है। हाँ खत्म हो चुका। इस वसीयत नामे से यही जाहिर होता है कि माला ही सर मंगलदास की बेटी है। वो कौन सा उदा है जो हल हो नहीं सकता? इंसान करे हिम्मत तो वो क्या हो नहीं सकता। पहाड़ों और मैदानों की थकान ने हमें मंजिले मकसूद पर पहुंचा दिया है। अब हमारी कोशिशों को कामयाब बनाना माला के अख्तियार में है। अब तो मेरे लिए अपनी मरहूम पिता की आखिरी वसीयत का पालन करना फर्ज हो गया है। मुझे जाने की इजाजत दीजिए बाबा। मैं अपने पापी ख्यालों में सब कुछ भूल गया था। मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या कहते हैं आप? आपने तो मेरी बड़ी हिफाजत की है। आपकी बदौलत मुझे मान और मर्तबा हासिल हुआ है। और अगर सच पूछो तो हरमबानो मेरा ही वतन बन गया है ना? हमें सफर की तैयारी करो। मैं एक बार अपने वफादार शेरों से मिलकर आती हूँ। लेकिन शंकर मैं हर साल तुमसे मिलने आया करूंगी। और चंपी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वापसी तक तुम दो चार बच्चों की अच्छी माँ बन जाओगी। अच्छा बेटा खुदा हाँ। अगर सामे माँ तो क्या कर नहीं सकता। अगर सामे माँ तो क्या कर नहीं सकता। जो है मर्दे जमाना आफतों से डर नहीं सकता। जो है मर्दे जमाना आफतों से डर नहीं सकता। अगर इंसान में हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता। अगर तकदीर की महफिल में हो तकदीर का साथे। अगर तकदीर की महफिल में हो तकदीर का साथे। वो प्याला कौन सा प्याला है के जो भर नहीं सकता। वो प्याला कौन सा प्याला है के जो भर नहीं सकता। अगर सामे मत हो तो क्या कर नहीं सकता। सदाकत जिसका जीना है शहादत जिसका मरना है। सदाकत जिसका जीना है शहादत जिसका मरना है। वो मर जाता है लेकिन नाम उसका मर नहीं सकता। वो मर जाता है लेकिन नाम उसका मर नहीं सकता। अगर इंसान में हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता।
तू अपनी राह चलता जा, न डर ठोकर से है बंदे, खुदा जिसका सहारा है, खुदा जिसका सहारा है, बशर वो गिर नहीं सकता, खुदा जिसका सहारा है, बशर वो गिर नहीं सकता, अगर इंसान हिम्मत हो तो क्या कर ही सकता, अगर इंसान हिम्मत